और इस युद्ध से जुड़ी एक और बेहद अहम खबर आ रही है। यूक्रेन की जंग में अब उत्तर कोरिया का नाम भी सामने आ रहा है। पिछले साल के अंत में अमेरिका ने यह दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, पर अब अमेरिका ने इसे लेकर सबूत भी पेश किए हैं और बताया कि इन सबूतों के आधार पर न सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि रूस के वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव देगा। यूक्रेन की जंग में जोंग की एंट्री वैसे तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसके सबूतों को अमेरिका ने पहली बार दुनिया के सामने पेश किया है। अमेरिका ने महीनों पहले आरोप लगाया था कि नॉर्थ कोरिया रूस और यूक्रेन की जंग में मॉस्को के ठेके के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसका इस्तेमाल पूर्वी यूक्रेन में वो कर रहे हैं। हथियारों की सप्लाई करने का आरोप लगाकर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया था और अब उसी प्रस्ताव को मजबूत करने के लिए व्हाइट हाउस ने मीडिया के सामने वो सबूत पेश किए हैं जिसे उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति के विशेषज्ञों के समूह के साथ साझा किया है और बताया कि उत्तर कोरिया वैगनर समूह को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है जिसका उपयोग वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में करता है। Previously, the arms transfers from the DPRK are in direct violation of United Nations Security Council resolutions. So today, we shared information on these violations with the Security Council's DPRK Sanctions Committee panel of experts. We will continue to raise these violations at the Security Council alongside our allies and partners. अमेरिका पहले ही जाहिर कर चुका है कि प्रशांत महासागर में उत्तर कोरिया उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है और पिछले साल किए गए उसके मिसाइल परीक्षणों की वजह से कोरियन प्रायद्वीप में भी युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इसी वजह से अमेरिका उत्तर कोरिया पर नकेल कसने की कवायद में लगा है जिसके तहत प्रतिबंधों का प्रस्ताव लेकर आया है। एक तरफ उत्तर कोरिया जहां अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का दावा करते हुए मिसाइलें दाग रहा है, वहीं अमेरिका को ऐसे सबूत मिले हैं कि वो रूस की कॉन्ट्रैक्ट किलर कंपनी वैगनर ग्रुप को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। जो तस्वीरें व्हाइट हाउस की ओर से जारी की गई हैं, वो 18 नवंबर को ली गई हैं, जिसमें रूस और उत्तर कोरिया की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें दिखाया गया कि 18 नवंबर को एक ट्रेन रूस से निकली, 18 नवंबर को ही ट्रेन उत्तर कोरिया पहुंची। दावा है कि उत्तर कोरिया में ट्रेन खाली की गई, उत्तर कोरिया में ट्रेन फिर लोड की गई, अगले दिन हथियारों से भरी ट्रेन रूस वापस आ गई। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है और ये प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की है जिसे दक्षिण अफ्रीका की खदानों से भी फंडिंग मिल रही है। किम जोंग उन और पुतिन की दोस्ती पुरानी है, लेकिन यूएन से लगे प्रतिबंधों की वजह से रूस उत्तर कोरिया से किसी तरह का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन जब रूस की कंपनी के बारे में ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं, तो अमेरिका अब वैगनर ग्रुप पर भी तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव ला सकता है ताकि यूक्रेन में पुतिन को कमजोर किया जा सके। नेटो के फैसले अब ज़ेलेंस्की के हक में नहीं हो रहे हैं और इस बात से वो भी अच्छी तरह से वाकिफ है और ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुतिन के एजेंट अब यूरोप में भी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि पुतिन को लेकर इस वक्त नेटो और पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा खौफ का माहौल बना हुआ है। दावा ये है कि ज़ेलेंस्की को अपनों से ही धोखा मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध के लगभग 11 महीने बाद आखिर अमेरिका को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि रूस को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। युद्ध के 331 दिन बाद नेटो को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर यूक्रेन को तुरंत भारी हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन को भयानक हार से कोई बचा नहीं सकता। जंग में 188,000 रूसी सैनिक मारे जाने के बाद भी पुतिन झुकने को तैयार क्यों नहीं है।
आखिर पुतिन किस दम पर दावा कर रहे हैं कि रूस को कोई हरा नहीं सकता? अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा क्यों करने लगे हैं कि रूस के खिलाफ अगर 50 देश भी हमला कर दें तब भी रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। क्या पुतिन ने वाकई में यूक्रेन में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जहां यूक्रेन के साथ साथ नाटो और अमेरिका भी सरेंडर कर देंगे? तीन सौ से ज्यादा दिन की जंग में अब यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों को रूस ने तबाह कर दिया है। इधर यूक्रेन के सैनिक समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले कीव को बचाएं या फिर बखमुत को बचाएं। जनवरी 2023 के पहले दो हफ्ते में ही पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और 30 देशों से बने नाटो की सारी वॉर प्लानिंग का पुतिन की फौज ने धुआं निकाल दिया है। अमेरिका और नाटो के घातक हथियार भी रूस के तूफानी हमलों में तबाह हो रहे हैं। इधर पुतिन हर दो दिन बाद यूक्रेन को साफ चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के चक्कर में पड़े तो रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो पर पुतिन के खौफ का ये आलम है कि अब अमेरिका भी कहने को मजबूर हो गया है कि पुतिन के रूस को हराना आसान नहीं है। अमेरिका के एक टॉप जनरल मार्क माइली ने जर्मनी में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता रहता है तो इस साल 2023 रूस को यूक्रेन से पूरी तरह बाहर निकालना संभव नहीं है। अमेरिका के टॉप जनरल्स मार्क माइली ने जर्मनी में 50 देशों के सामने रूस को बहुत ताकतवर बता दिया है। 50 देशों के टॉप जनरलों के सामने अमेरिका का यह बयान साफ बताता है कि यूक्रेन को अब यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो अब तक यूक्रेन को 2,00,000 करोड़ के हथियार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया है। देखिए, रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन फिलहाल कागज पर यूक्रेन जंग जीतने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देखा जाए तो रूस लगातार एक के बाद एक कई इलाकों को जीतते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि टैंकों, मिसाइलों से हमले ने यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह कर दिया है और रूस डंके की चोट पर अपनी जीत का दावा कर रहा है।